सो हाय गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जो लोग रियलमी का U1 डिवाइस यूज करते हैं। सो गाइस, आपको मैं सेटिंग्स ओपन करके बता देता हूं। तो गाइस, मैं रियलमी का 2 प्रो डिवाइस जो यूज कर रहा हूं, ये रहा मेरा डिवाइस रियलमी 2 प्रो। अबाउट फोन रियलमी 2 प्रो गाइस मैं यूज कर रहा हूं। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जो लोग रियलमी का 2 प्रो और U1 गाइस यूज करते हैं। सो गाइस, आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख लिया, आप समझ चुके होंगे। चलिए गाइस, बिना रुके करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की ओर फॉलो नहीं किया और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि गाइस डेली आपको हमारे उन जो कम्युनिटी की गाइडलाइंस है वहां पर मिलती रहती है। चलिए गाइस, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, अब बात करते हैं वीडियो की। तो गाइस, आपने वीडियो का टाइटल देख लिया कि C.14 का अपडेट रियलमी U1 में आ चुका है। सो गाइस, रियलमी U1 में C.14 का अपडेट आ चुका है, आपको उसकी इमेजेस बता देता हूँ। सो गाइस, ये रही इमेजेस, आप देख रहे हैं रियलमी U1 के लिए न्यू वर्जन डिटेक्टेड हुआ है C.14 का। गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस, इसका साइज आपको 159 MB मिलता है। सो गाइस, आपको बता दूं, ये रहा रियलमी U1 गाइस, यहाँ देख रहे हैं आपको रियलमी U1 मिलता है। और गाइस, ये रहा RMX 1831 EX C.14 का। और गाइस, ये अपडेट आपको सिक्योरिटी पैच का अपडेट है वो मिला हुआ है। इसमें आपके डिवाइस का जो थोड़ा सा कैमरा इम्प्रूव किया गया है, लाइक गाइस थोड़ा सा ज्यादा सिर्फ कैमरा इंप्रूव किया गया है। और गाइस, जो परफॉर्मेंस डिवाइस की वैसी है, आपको इसमें कलर वैसे अभी तक स्टेबल अपडेट नहीं मिला है रियलमी U1 में। सो गाइस, आपको बता दूं, इसमें आपको यही चीजें लोग देखने को मिलता है जो हर बार आपको देखने को मिलता था, इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड जो आपको परफॉर्मेंस सिस्टम स्टेबिलिटी। तो गाइस, छोटी सी वीडियो थी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि रियलमी U1 में आपको C.14 का जो अपडेट है रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन गाइस, अभी तक आपको बता दूं, रियलमी कम्युनिटी ये रही। सो गाइस, आपको देख लें, आप रियलमी U1 बता दूं। सो गाइस, रियलमी 3 ये रहा, गाइस ये रहा रियलमी U1। लेकिन गाइस, रियलमी कम्युनिटी के ऊपर अभी तक आपको नहीं मिला है इसका जो लीक है। लेकिन गाइस, रियलमी 2 प्रो के लिए बता दूं, तो गाइस रियलमी 2 प्रो के C.23 आया था। लेकिन गाइस, उसके बाद C.24 का अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरे डिवाइसेस में ऑलरेडी C.22 जो था सॉरी अपडेट में जाकर के। तो गाइस, ये देख लें, आपको मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करके बताता हूं, C.22 ऑलरेडी इसमें वर्क कर रहा है। तो गाइस, देख लें, C.22 इसमें ऑलरेडी वर्क कर रहा है। लेकिन गाइस, मुझे तो OTA आना चाहिए था, लेकिन गाइस मुझे OTA नहीं मिल रहा अभी तक। इतना टाइम हो चुका है, 2-3 दिन, लेकिन OTA नहीं मिला। लेकिन गाइस, अब मैं कंपनी की कस्टमर केयर कॉल करूंगा, आपको बताऊंगा क्या फीडबैक रहा। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।